स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं मौलिक जालावड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है वो है सेकेंड एक फॉस्फरस का एक हैलाइड, और कौन सा है? फॉस्फरस पेंटा हैलाइड PCl5। तो फर्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, फर्स्ट प्रिपरेशन व्हेन व्हाइट फॉस्फरस reacts with chlorine, dry chlorine gas, it gives PCl5. White phosphorus yani P4 reacts with excess amount of chlorine, it gives PCl5. Balance the reaction P4 chlorine 4-5 is a 20, 10 molecules of chlorine. First reaction. Now second reaction. When P4, yani white phosphorus, react with SO2Cl2 yani sulfuryl क्लोराइड। तो सेकेंड रिएक्शन में व्हाइट फॉस्फरस P4 रिएक्ट्स विथ SO2Cl2, इट गिव्स PCl5 प्लस SO2। बैलेंस करो रिएक्शन को, फॉस्फरस 4, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन 20, तो 10 मॉलिक्यूल्स, तो सल्फर डाइऑक्साइड 10, तो 10SO2। प्रिपरेशन यहां पे कंप्लीट हुई, सिंपल दो प्रिपरेशन जो हमने आगे देखी थी वही टाइप्स की है। आगे यहां पे हमने क्या लिया था? थायोनिल लिया था, और फिर से याद करवा रहा हूं थायोनिल का फॉर्मूला क्या होगा, SOCl2। तो अगर PCl3 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, लिंक होगी वहां पर। इनके बाद आता है प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज अपीयरेंस, तो PCl5 इज व्हाइट, येलोइश व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर है, सॉलिड सब्सटेंस होता है ये। सेकंड इनका शेप, तो शेप इनका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे शेप को, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसा होगा। तो फॉस्फरस मैंने बीच में लिख दिया पी, फाइव क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन से पहले आप एक ट्राइगोनल फॉर्म करो, 1, 2 एंड 3, इनको ऐसे जोड़ो, देखो अलग पेन से दिखा रहा हूं, इनको आप ऐसे जोड़ दो, एक ट्राइगोनल फॉर्म होगा। तो ये हुआ ट्राइगोनल। अभी बाकी 2 क्लोरीन, एक प्लेन के एबो होगा ऊपर और एक प्लेन के नीचे होगा, ये होता है ट्राइगोनल। और सबको ऊपर के साथ जोड़ो तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी यहां पर आपको PCl 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड है, इनमें 3 बॉन्ड ये एक ही टाइप के हैं, तो यहां पे PCl3 बॉन्ड इक्वाटोरियल पोजीशन पे है। PCl3 बॉन्ड इक्वाटोरियल है, सेम बॉन्ड लेंथ अप्रोक्स इसका 240 पिकोमीटर है और इनका 240 पिकोमीटर के आसपास है। दो आपको PCl बॉन्ड 2 वो आपको मिलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये एक और ये सेकंड। एक्सियल बॉन्ड है वो होते हैं लॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड, और आपको पता है लॉन्ग बॉन्ड हो गए तो वो कैसे हो गए, स्ट्रांग हो गए या वीक, तो वीक हो गए, तो ये दोनों बॉन्ड्स होते हैं वीक।
यानी जब भी इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड पहले क्लीवेज होगे और Cl2 गैस यहां से निकल जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पे ये फास्फोरस क्लोरीन के बीच मोर रिपल्शन के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और लॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, जिनके कारण ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। नाउ प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट होती है। एक तीसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनके ऊपर से दिखा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में PCl5, इनको किया मैंने हीट। तो अगर ये कंपाउंड को हीट कर रहा हूं तो ये बॉन्ड यहां से क्लेवेज होगा क्योंकि ये वीकर बॉन्ड है। Cl और Cl यहां से निकल गए, ये टेस्ट ट्यूब की अपर रेजिन में डिपोजिट हुए क्लोरीन गैस के फॉर्म में। बाकी यहाँ पे बचा PCl3 लिक्विड के फॉर्म में, और ये रिएक्शन को कहते हैं सब्लिमेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे PCl5 को हीट करने पे PCl3 और Cl2, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है? सब्लिमेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो PCl5 का रिएक्शन वाटर के साथ, तो लिखते हैं यहां पे व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। चलो पहले ये रिएक्शन को कंप्लीट करें। PCl5 वाटर के साथ, तो देखो POCl3 फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl दे रहे हैं। व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड विच फर्दर रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इनका फर्दर रिएक्शन होगा वाटर के साथ और ये देता है H3PO4 प्लस HCl, H3PO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच HCl। फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट हुई। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, जो PCl3 में देखा था वही प्रॉपर्टी है, सेम मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो लिखते हैं कि PCl5 रिएक्ट विथ OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, बट कैसे कंपाउंड होने चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलो फिर से रिएक्शन वही CH3C OH, सेकेंड रिएक्शन CH3CH2OH, रिएक्शन PCl5 PCl5। बोलो क्या होगा यहाँ पे? OH ग्रुप को ध्यान से देखो, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, दोनों सब्सिट्यूएट हो गए ये क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगी? CH3COCl। सेम एज हियर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2Cl। क्लियर, OH को सब्सिट्यूएट कर दिया और यहां पे बन रहा है साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और बाकी बनेगा HCl। तो दोनों में बाई प्रोडक्ट सेम ही है, दोनों रिएक्शन बैलेंस में ही है, देख लेना। रिएक्शन नंबर लास्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल। तो देखो मेटल दो अपने पास है, एक सिल्वर का एग्जाम्पल और एक टिन का, इनके साथ रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होगा? यहां से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल्स क्लोराइड बनाएंगे AgCl, और यहां पे SnCl4, Sn कार्बन ग्रुप का एलिमेंट यानी प्लस फोर वैलेंसी, इनके ऊपर +1 यानी एक क्लोरीन और फोर क्लोरीन लिए, प्लस
बाई प्रोडक्ट में निकलेगा PCl3 दोनों में PCl3। तो बस ये हुआ रिएक्शन, बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे 2 क्लोरीन देखो, 5 क्लोरीन, 5 फॉस्फोरस, 1 सिल्वर, 2 यहाँ पे 2 तो क्लोरीन 10, तो यहाँ पे ले लो आप 2 फॉस्फोरस, 2 क्लोरीन, 6 प्लस 4 10 हो गया। तो ये था PCl5 और PCl3, हमने आगे के एक लेक्चर में पढ़ लिया है, दोनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।